उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली। दरअसल सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 54% करने पर विचार कर रही है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने DIOS BSS से तमाम कर्मियों का विवरण मांगा है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो इससे लगभग 15 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जिसमें राज्य के शिक्षक भी शामिल हैं। इससे पहले भी पिछले साल सरकार ने शिक्षकों को बोनस के तौर पर 7,000 रुपए दिए थे और इस साल भी ऐसे बोनस की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार की इस पहल से शिक्षकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की भी संभावना है, जो महंगाई के दौर में बहुत जरूरी है। जुलाई महीने के आधार पर लाभ की गणना की जाएगी, जिससे शिक्षकों को उनके वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर भी योगी सरकार गंभीर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा सभापति ने एक निर्देश पर बैठक का आयोजन किया था, जिसमें नेता सदन और उप मुख्यमंत्री ने भाग लिया था। इस बैठक में शिक्षा मित्रों के मानदेय, सैलरी और समायोजन के मुद्दे पर गहन चर्चा की गई थी।